हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, आप बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है सबको कि 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जल्दी टाइम टेबल भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में से बहुत से बच्चे परेशान हैं जो फॉर्मेट पेपर का आया हुआ है, कि आपको जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। आपको पता है कि आपको कुल 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से है, बात समझ में आ रही है। आपको जो है 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे जो है बच्चे परेशान हैं कि सर जो है ये बताइए कि पेपर का फॉर्मेट जो है वो ठीक है इस तरीके का है, लेकिन पेपर जो है वो 1.5 मीन्स 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है आपका, जो पहले 3 घंटे का होता था, अब 1.5 घंटे में आपको ये 7 क्वेश्चन देना है। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो रही है कि आपको जैसे मैथ्स के 3 पेपर हैं, सेकेंड ईयर वाले जानते हैं उनके मैथ में 3 पेपर होते हैं, थर्ड ईयर वालों के मैथ में उनको 4 पेपर पढ़ाया जाता है, जिसमें 3 पेपर्स कंपलसरी होते हैं और एक ऑप्शनल। जैसा कि न्यूज है कि ऑप्शनल पेपर को कट कर दिया गया है, अब आपको जो पेपर देना है वो 3 कंपलसरी पेपर को ही तैयार करके एग्ज़ाम देना है आपको, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो 3 कंपलसरी पेपर हैं, रियल एनालिसिस बेसिक थर्ड ईयर, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन 3 से ही क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन आपको बनेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको इन्हीं 3 से दिखाई देंगे, ऑप्शनल में नहीं। ऑप्शनल से अच्छा, ऑप्शनल को क्यों हटाया गया, क्योंकि ऑप्शनल को इसलिए हटाया गया क्योंकि ऑप्शनल आपके पास 6-7 पेपर ऑप्शनल के रूप में थे, जिसमें किसी ने ऑपरेशनल रिसर्च को चूज किया, तो किसी ने डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री को चूज किया, किसी ने जो है कंप्यूटर साइंस बेस्ड पेपर को चूज किया, किसी ने स्टैट के बेस्ड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को चूज किया, पेपर को चूज किया। तो इस वजह से सबके ऑप्शनल पेपर काफ़ी डिफर थे, इस वजह से मे बी जो है यूनिवर्सिटी ने ऑप्शनल पेपर को हटा दिया। अब आपको जो है अगर देखिए ध्यान से, तो आपको कंपलसरी पेपर में से ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अच्छा, अब क्या है कि मेन समस्या यह है कि 3 पेपर मिलाकर एक ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये जो 12 क्वेश्चन 60 आपको दिखाई देंगे, 12 क्वेश्चन 60 और जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे, ये कहाँ से क्वेश्चन होंगे? तो बीएससी सेकेंड ईयर ये जो 12 क्वेश्चन 60 और 5 क्वेश्चन लॉन्ग जो आपको दिखाई देंगे, ये जो है आपको दिखाई कहाँ से देने वाले हैं? ये दिखाई देने वाले हैं स्टूडेंट्स आपको जो है सेकेंड ईयर वालों के लिए लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म सेकेंड पेपर कैलकुलस वाला एंड मैकेनिक्स। ये जो 17 क्वेश्चन आएंगे 12 60 और 5 लॉन्ग, ये 17 क्वेश्चन इन 3 पेपर से मिला के आएंगे, मतलब 17 क्वेश्चन अगर मैं 12 क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो 4 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4 4 क्वेश्चन 3 पेपर से रहेंगे, और जो है 5 क्वेश्चन लॉन्ग है तो लगभग 2 क्वेश्चन जो है आपके 3 पेपर से रहेंगे, किसी में 2 2 होंगे, किसी में 1 होंगे, यही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 ही हैं, तो इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे, अब 3 पेपर्स आएंगे। अब बच्चे परेशान कि क्या सर 3 पेपर तैयार कर पाएंगे, या आसान है पेपर तैयार करना? है तो बहुत टफ। ठीक है, ये 3 पेपर तैयार करना टफ है, एक ही साथ 3 पेपर को आप जो है अगर सॉल्व करने, सॉरी 3 पेपर को आप तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे और 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन भी कर डालना है, तो ये तो टफ है आपके लिए ये बहुत। तो कैसे इससे पार पाया जाए, क्या तरीका है कि हम अच्छे से एग्ज़ाम को जो है हैंडल कर पाएँ, अच्छा मार्क्स ला पाएँ?
इसका तरीका यही स्टूडेंट्स की। अच्छा, अब आपके लिए इसमें ये तो टफ हो गया कि तीनों पेपर एक ही में है। अब आपके लिए अब आपको ये ढूंढना है कि हम ऐसा कैसे प्रिपरेशन करें, किस टाइप से प्रिपरेशन करें ताकि हम इजीली जो है अपने एग्ज़ाम को मैनेज कर पाएँ और साथ ही साथ अच्छे मार्क्स लाएँ। ये कैसे कर पाएँ, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए यह होगा आपके लिए जो प्लस है वो आपको खोजना है कि कहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्लस देखिए यह है कि आपको जो 12 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, जो 12 शॉर्ट और 5 लॉन्ग है, एकदम इसमें से कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, आपको सीधे सीधे जो है स्टूडेंट्स 12 जो क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे उसमें से कोई भी 5 आपको चूज कर लेना है। जो आप अगर ध्यान से देखें, जो 5 लॉन्ग आएंगे उसमें कोई भी 2 लॉन्ग आपको चूज कर लेना है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। थर्ड ईयर वाले याद रखेंगे, थर्ड ईयर वालों के लिए पेपर क्या होगा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब उनका लिए भी यही सिस्टम, तीनों पेपर मिला के एक ही पेपर आएगा, 12 शॉर्ट 5 लॉन्ग, इसमें से 4 क्वेश्चन शॉर्ट लगभग हर पेपर से और लगभग 2, किसी में 2 किसी में 1 भी हो सकता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हर एक पेपर से। अब प्रश्न होता है तीनों तैयार करके जाएंगे, बहुत टफ है, लेकिन अब देखो ईजी क्या है, आप खोजना है वो कमज़ोर कड़ी जिसको पकड़ के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। देखो इसमें फ़ायदा आपको यह है कि आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, 12 में से कोई 5 करना है, और कोई बाउंडेशन नहीं, 5 लॉन्ग में से कोई 2 लॉन्ग कर देना है। ये बहुत ही सही है आपके लिए, अगर आप थोड़ी सी चालाकी अगर करें, अगर आप थोड़ी सी चालाकी करें स्टूडेंट्स, तो बस क्या कर सकते हैं आप, मालूम है, आप बस इतना ही काम कर लीजिए कि आप कोई एक पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कोई एक पेपर आप तीनों में से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 60-12 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 4-4 सबसे आएंगे ना, तो एक ही पेपर से 4 क्वेश्चन करके काम ख़त्म, 2 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दिमाग लगाइए आप, आपको तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, जो 12 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे उसमें से 4-4 क्वेश्चन सब में से आने वाले हैं, तो आप कोई एक पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से एकदम, तो 4 आपके तो फंस ही जाने वाले हैं, कन्फर्म है 4 आप कर जाएंगे वहाँ से। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक दूसरा पेपर भी आप, मतलब आप अगर 1 पेपर पूरा और एक दूसरा पेपर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ मिला के अगर उसका हाफ पार्ट भी आप पढ़ लिए तो 4 क्वेश्चन निश्चित आप फंसा देंगे। बात समझ में आ रही है, आपको इजी को पेपर को टारगेट कर लेना है। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, आप मैट्रिसेस को टारगेट कर लीजिए फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आप चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन को टारगेट कर लीजिए, थर्ड सेकंड ईयर वाले, थर्ड पेपर में आप कुछ डायनेमिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसी को टारगेट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, या तो पहला पेपर पूरा तैयार कर लीजिए, दूसरे में से थोड़ा तैयार कर लीजिए, या दूसरा पूरा तैयार कर लीजिए, पहले तीसरे में से थोड़ा तैयार कर लीजिए, ऐसे कीजिए आप। मतलब अगर अच्छे से तैयार कीजिए, दिमाग लगाइए, तो आपको एक या 1.5 पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है, आपका काम हो जाना है। एक पहला तरीका है अच्छा मार्क्स लाने का और बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाने का, है ना, बिना किसी टेंशन के। दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आप सब तैयार करके जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन अपने अनसॉल्व पेपर 4-5 साल का उठाइए और उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए। जैसे हर पेपर से आप 20-20, 25-25 ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 से अधिक बार रिपीट करके आए हों, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे थ्योरम को आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप तैयार कर लीजिए, 20-20, 25-25 को कलेक्ट कर लीजिए, उनको तैयार करके चलिए तीनों पेपर से, तो कुल मिला के 70-75 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए तीनों पेपर से मिला के, और आप एग्जाम में जाइए, बड़े आसानी से आप करके चले आएंगे। तो एक तरीका आपका यह रहा, और एक तरीका यह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है 4 क्वेश्चन ही या 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट में, तो आप 1.5 पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चंस आप उतने में ही मैनेज कर डालेंगे, आपको सब तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 2 पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक पेपर छोड़ दीजिए, पूरा एकदम सीधे सीधे छोड़ दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होने, 2 पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप 12 में से 5 और 5 में से 2 बड़े ईजिली कर लेंगे, लेकिन 2 पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए बिना किसी रिस्क के आप कर सकते हैं, आपको तीनों पेपर तैयार करने की कोई विशेष ज़रूरत एकदम है ही नहीं। तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी, पूरा फॉर्मेट मैं समझा दिया, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो यह है कि आप कोई भी
वन एंड हाफ़ या मैक्सिमम टू पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप 4-5 साल के पेपर, क्वेश्चन पेपर जो अनसॉल्व पेपर से उनको उठाइए और जो क्वेश्चन रिपीट किए हैं उनका हर पेपर से कलेक्शन कीजिए, है ना, आप उनको कलेक्ट कर लीजिए 20-25 क्वेश्चन, वही 70-75 क्वेश्चन तैयार करके आप चले जाइए। ऐसा ही सब में आप कीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई सब्जेक्ट हो। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में यह भी होगा कि सर सिलेबस कौन सा है, क्या जो कट बीच में सिलेबस कट कर गया था, हम लोग रिड्यूस सिलेबस पढ़े हैं ना, हम लोगों का सिलेबस तो इस साल रिड्यूस हुआ है, हम वो पढ़े हैं, है ना, पूरा तो पढ़े नहीं है। तो कैसा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आप पूरे में से आएंगे कि रिड्यूस में से आएंगे? तो भैया जो आप पढ़े हैं उसी में से आएगा, मतलब जो रिड्यूस करने के बाद सिलेबस आपको मिला है उसी में से ही सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।